दुष्यंत चौटाला भी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे उचाणा विधानसभा क्षेत्र से। और वहीं बात करें तो ओम प्रकाश चौटाला ने भी जो है कहा है कि वो भी लड़ेंगे। अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं वो भी लड़ेंगे, तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? मतलब सबका अधिकार चुनाव लड़ने का, तू लड़ ले, तेने कोई मना करे, तू लड़ ले, सबका अधिकार है चुनाव लड़ना, कोई भी लड़ सकता है। मतलब चांस से चुनाव लड़ो, चांस से जीतो, दोबारा चांस फिर जीतेंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि 15 दिन बचे हैं, गठबंधन टूटेगा लगातार, कह रहे कि अगर वो गठबंधन नहीं तोड़ते तो मैं बीजेपी को बाय बाय कह दूंगा। जेजेपी विधायक अमरजीत डांडा हमारे साथ हैं। पिछली बार की बात करें तो 4 साल से वो विधायक हैं और जेजेपी पार्टी से चुनाव लड़ा था। अजय सिंह चौटाला के लाडले जो विधायक हैं, और अजय सिंह चौटाला ने भी कहा था कि मेरे सबसे लाडले अमरजीत डांडा हैं, तो उनसे बात करेंगे। सर, अजय सिंह चौटाला ने कहा था कि आप बेहद लाडले हैं उनके, लाडला फिर इसमें कोई दुराग की बात है? हूँ लाडला हूँ, उसका सदस्य हूँ, लाडला हूँ। अब की बार आपने जब रैली की तो आपने कहा था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला होंगे, डिप्टी सीएम अमरजीत डांडा जिन से बनेगा। देखो सबकी अब अपनी सोच हो, कोई किसका परिवार कौन परिवार नहीं सोचता मैं आगे बढ़ू, जो सबकी उम्मीद है, कोई पार्टी भी हो सब पार्टी सोच मैं आगे बढ़े, को सीएम बने, को प्रधानमंत्री सपने देख रहा है, को मुख्यमंत्री देख रहा है, को डिप्टी सीएम देख रहा है, सबकी इच्छा है हिंदो। तो अब की बार कैसे चैलेंज देखते हैं, क्योंकि एक साल रह गया है और लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला ने काम नहीं करवाए और आपकी पार्टी से कई लोगों ने रिजाइन भी दिया है। ऐसे किसी ने रिजाइन दे, सबकी अपनी राजनीति का सब अपना फैसला सब अपने हाथ में होता है। मैं तो ये कहता हूँ जी, जुलाना में जब ये विधानसभा का चुनाव था 2019 में, मेरे को बड़ा भरोसा जताया था लोगों ने भाई अमरजीत को जिताना है, और सरकार में हिस्सेदारी हुई, गठबंधन हो गया, आज जुलाना किस विकास की विकास की तरफ बढ़ने लग रहा है। तो जुलाना अपना सब ने देखा, पत्रकार क्या करते हो, जुलाना पिछड़ा हल्का बोलिया कर दे जी जी जो हमारा पिछड़ा हल्का, आज जुलाना 1 नंबर 1 बना दिया, कितना फंड का समाधान। जब मैं एमएलए बना था, जनता ने एमएलए बनाया, मेरे विधानसभा मिल गया, 3 साल रिकॉर्ड और 24,000 एकड़ जमीन खराब हो जाती, आज पूरा हल्का 300 किले खराब है। हाँ, फल्ड से। हाँ, आज किसका भला है जमींदार का? जी जी जी, ये जमींदार एक थोड़ा 36 बड़ा बिल्कुल बिल्कुल, आज कितना जमींदार खुश रहे, अच्छे रेट आ रहे। विधायक जी, दुष्यंत चौटाला भी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे उचाणा विधानसभा क्षेत्र से। और वहीं बात करें तो ओम प्रकाश चौटाला ने भी जो है कहा है कि वो भी लड़ेंगे, अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं वो भी लड़ेंगे, तो आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? मतलब सबका अधिकार चुनाव लड़ने का, तू लड़ ले, तेने कोई मना करे, तू लड़ ले, सबका अधिकार है चुनाव लड़ना, कोई भी लड़ सकता है। दुष्यंत चौटाला चुनाव लड़े, पहले उमर खा में जब बोलिया भी था, मतलब चांस है चुनाव लड़ो, चांस है जीतो, दोबारा चांस फिर जीतेंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि 15 दिन बचे हैं, गठबंधन टूटेगा लगातार, कह रहे कि अगर वो गठबंधन नहीं तोड़ते तो मैं बीजेपी को बाय बाय कह दूंगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह जिस दिन दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने थे, सरकार में समझौता आया था, मैं मनोहर लाल मुख्यमंत्री बने, दुष्यंत डिप्टी सीएम बने थे, तो उसी दिन कहने लगे 15 दिन समझौता टूटेगा, मजबूती से ज्यादा राज चल रहा है, चलता रहा होगा। विधायक जी, आपने गद्दावर नेता के बेटे को जो है हराया था प्रवीण ढुल की बात करें, अब की बार किस तरह के चैलेंज देखते हैं? जनता बताएगी, जनता फैसला अपने हाथ में कुछ है नहीं, अपने हाथ में वो काम दम ने करके दिखा दिया, तो आगे उम्मीद करूंगा, अभी तो 1 साल बाकी है, 10 महीने बाकी है चुनाव के, जो बाकी दूर है वो पूरा करवाना काम करूंगा। तो लगातार बात की जाए, जैसे अब प्रेमलता है वो भी लगातार गठबंधन पर वार करके नजर आ रही है, कह रही है कि बाहरी लोग आ जाते हैं, घर के लोगों को कोई पूछता नहीं, आपने उनको इतने वोटों से जिता दिया डिप्टी सीएम को, बाहरी कौन आ गया? ये प्रेमलता जी करेगी, बाहरी आया कौन है, बारह कैसे है, किसको बाहरी बोले उसने, वो बताएगी डिप्टी सीएम को। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि किसी प्रकार का कोई विकास कार्य उचाणा के अंदर दिखाई। ओम प्रकाश चौटाला ने कहां से चुनाव लड़ा? मरवाना से, वो भी जींद जिले में मुख्यमंत्री बने हरियाणा के जी। दुष्यंत कल ने चुनाव लड़ा, जब पार्टी का जन्म होया जेजेपी का, वो भी जींद से शुरू हुआ, बारह कैसे हो गए, सभी यहीं गए हैं, सारा भाईचारा अपना है, हरियाणा प्रदेश में पूरे भारत प्रदेश में सभी अपने हैं। तो बात करें जैसे लगातार डिप्टी सीएम उचाणा के, अब राजस्थान में भी जो चुनाव हैं, तो आप कैसे देखते हैं, क्या जेजेपी बाजी मार पाएगी? बिल्कुल मार पाएगी, इसमें कोई दुराय नहीं है, राजस्थान में विधानसभा का तब भी से ताला खुलेगा खुलेगा ताला आप देखते रहिए।
बिल्कुल अमर जी डांडा हमारे साथ थे और साफ तौर पर कहा है कि राजस्थान में अब की बार चाबी से ही ताला खुलेगा और लगातार जो अब ये सक्रिय हैं, लगातार इन्होंने विकास कार्य के काम है वो करवाए हैं और लगातार जो है फील्ड में एक्टिव हैं। वहीं बात करें तो अजय सिंह चौटाला के लाडले विधायक अमरजीत डांडा, हरियाणा के लिए जिनसे परमजीत पवार।